Dubai, habibi. Come to Dubai. Baby, I'm all about it. हाय एवरीवन, तो आज की तारीख है 28th ऑफ जैन एंड वी आर अगेन बैक फॉर आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड दैट इज दुबई। तो जैसे कि ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था तो हम लोग सोचे यार कि अगर हम लोग जा ही रहे हैं बाहर तो कुछ अच्छे एयरलाइन से चलते हैं एंड सो वी डिसाइडेड टू टेक दिस एयरलाइन। तो अब तो तुम्हें देख कर यार थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो ही गया होगा एंड द एयरलाइन वॉज एमिरेट्स। भाई साहब क्या एयरलाइन था, मतलब इसके अगर एयरक्राफ्ट के अंदर जैसे अंदर गए मतलब इट वॉज टू अ नेक्स्ट लेवल। मतलब इट वॉज मतलब जब इंडिया वाले एयरलाइंस में बैठते हैं ना तो इट वॉज रियली मोर कम्फर्टेबल देन दैट। सीट्स इसके कितने अमेजिंग थे। तो जैसे ही हम लोग अंदर गए तो हमें ब्लैंकेट मिला, पिलो मिला, देन इन फ्रंट ऑफ अस देयर वॉज वन टीवी। तो उसमें यार सारे न्यू मूवीज़ थे, सॉन्ग्स थे, यू कैन हेयर टू द न्यूज़, और उसमें यार एक कैमरा भी लगा हुआ था, यू कैन वॉच थ्रू दैट कैमरा। और वो कैमरा बेसिकली प्लेन के सामने था और प्लेन के नीचे था, तो यू कैन सी दैट व्यू एज वेल कि प्लेन जब टेक ऑफ ले रहा है देन अगर प्लेन हवा में है तो यू कैन सी द व्यूज एज वेल। द बेस्ट पार्ट वॉज कि यार हमें कभी भी खाना मिल जा रहा है, कभी चाय मिल जा रहा है, कभी कॉफ़ी मिल जा रहा है, कभी खाना आ जा रहा है। एंड टू एक्सेस दिस टीवी राइट यू विल गेट वन हेडसेट, तो तुम उसे लगा के लाइक यू कैन सिंपली कैन कनेक्ट टू द टीवी एंड यू कैन सी द मूवीज। जैसे सारे लेटेस्ट मूवीज़ थे। तो यार हम लोग लाइक द फ्लाइट वॉज फॉर अराउंड 5.5 hours और इसमें कैसे हमारा वो टाइम बीता हमें पता ही नहीं चला। और अगर तुम एमिरेट्स में जाओ और एयर होस्टेस के संग फ़ोटो ही ना लो तो क्या ही फ़ायदा। तो हम दुबई एयरपोर्ट में लैंड कर चुके थे, लेट मी शो यू द दुबई एयरपोर्ट। लाइक भाई साहब ये तो यार एयरपोर्ट लग ही नहीं रहा, ये तो मतलब समझ लो यार एक मॉल ही लग रहा है। तो फटाफट हमें यार होटल जाना था चेक इन करने, बिकॉज अराउंड 2 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे लाइक दोपहर के 2 बजे तक, और हमें फटाफट चेक इन करना था बिकॉज उस दिन हमारा यार एक एक्टिविटी शेड्यूल था, बिकॉज सिंस वी रीच दैट डे राइट और हमारे पास सेकेंड हाफ पूरा था तो वी थॉट कि यार इस दिन भी एक एक्टिविटी शेड्यूल कर लेते हैं। तो हमने एक एक्टिविटी शेड्यूल कर रखा था तो फटाफट हम चेक इन करते हैं और लेट्स गो फॉर दैट एक्टिविटी। तो फटाफट मैं तुम्हें यार रूम टूर करवा देता हूँ। तो चलो जिस चीज़ का इंतज़ार था वो तुम्हें दिखाते हैं अब। भाई साहब तुम देखोगे अगर ये तो ये जो हमारा जो सामने रोड जा रही है ये है शेख जायद रोड, और इसके दोनों तरफ यार कितने लंबे लंबे बिल्डिंग, 50 floors, 80 floors, नेक्स्ट लेवल यार क्या ही व्यू था वहाँ का। और ये देखो बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है, तो हमारा एक दिन बुर्ज खलीफा का भी एक्टिविटी शेड्यूल्ड है, तो जिस दिन जाएंगे दैट आई विल शो यू। जो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी शेड्यूल था दैट वाज द लॉस्ट चैम्बर एक्वेरियम, और वो भी हमारा था द एटलांटिस के अंदर। तो तुम लोग यार देखे होगे यार ये बहुत फेमस होटल है द एटलांटिस। अगर तुम लोग हैप्पी न्यू ईयर मूवी भी देखोगे तो उसमें भी यहाँ का शूटिंग हुआ हुआ है। दैट इज़ अ वेरी फेमस होटल और उसके अंदर ही था हमारा एक्वेरियम।
तो हम लोग वहां जा रहे थे ना, एक्वेरियम का नाम था द लॉस्ट चैम्बर। भाई साहब अब इसके अंदर में तुम देखो क्या ही नेक्स्ट लेवल का मछलियाँ थी यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार दुनिया के सारे मछलियाँ थी यहाँ पर, सारे वैरायटीज सारे। और यार देखो यार कितना क्लियर वाटर। इतने बड़े बड़े ग्लास थे यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि यार हम लोग स्कूबा डाइविंग ही कर रहे हैं। अंदर मछलियाँ देखने के बाद हम लोग यार थोड़ा बाहर मछलियों की तलाश में आ गए, मतलब यार व्यूज देखने आ गए। तो चलो अटलांटिस को मैं तुम्हें बाहर से दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखो यार सनसेट भी हो रहा था, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर रास्ते में तो यार सिर्फ बड़े बड़े स्पोर्ट्स कार ही चारों तरफ दिख रहे थे। कैसा लगा अटलांटिस? भाई नेक्स्ट लेवल मजा आया है, ऐसा मजा पहले कभी नहीं आया यार। यार जो जो सुपर कार्स दिख रहे हैं ना, नेक्स्ट लेवल का गाड़ी दिख रहा है यहाँ पर। लैम्बोर्गिनी जा रहा है भाई, हबीबी कम टू दुबई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप पर कैसा लग रहा है आपको, बताइए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं, वो भी दुबई। भाई तुम लोग सबको ना क्या बोलते हैं इसमें, हबीबी कम टू दुबई, हैप्पी 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 दुबई। तो फाइनली यार ये एक्टिविटी करने के बाद हमारा आज का तो जो शेड्यूल था वो ओवर हो चुका था, बिकॉज हम लोग सिर्फ एक ही एक्टिविटी शेड्यूल की थी, सिंस वी हैड ओनली वन हाफ। तो अब हमने प्लान करा कि यार ऑलमोस्ट शाम हो गए थे, 7 बज चुके थे, तो हम लोग यार ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो चुके थे, ट्रैवल करके आए थे इंडिया से। तो वी थॉट कि चलो यहाँ का एक फेमस मार्केट है जिसका नाम है मीना बाज़ार, वो घूम के आते हैं, और फिर उसके बाद एक गोल्ड शॉप करके आता है जहाँ पर सिर्फ गोल्ड ही मिलता है। तो वी थॉट कि चलो वो एक्सप्लोर करते फिर कर जाएंगे। रास्ते में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर भी दिखा, सो आई विल शो यू दिस इन डिटेल लाइक नेक्स्ट वीडियो में। ये भी एक एक्टिविटी शेड्यूल्ड है हमारा। मीना बाज़ार यार उतना कुछ डिफरेंट लगा नहीं मुझे, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल बाज़ार जो हमारे इंडिया में भी है। और गोल्ड शो के ये रिवर के उस तरफ था, तो बस हमें ये क्रॉस करना था, तो हमने एक स्टीमर ले लिया और हम लोग इस पार से उस पार पहुँच गए। और यहाँ पर देखो यार दोनों तरफ सिर्फ गोल्ड के ही शॉप्स थे, मतलब सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड मिल रहा है। तो फाइनली यार हमारा डे वन ख़त्म होता है, लाइक देन वी रीच्ड होटल। और बाकी डेज का मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, लाइक इट वाज अराउंड 6 डेज का ट्रिप था, तो मैं पूरे डिटेल में तुम्हें बाकी डेज का ही बताऊंगा, सारे एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा।